नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और ये चुनाव कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए टेढ़ी खीर के साथ साथ एक मजबूत कॉम्पिटिटर भी अपने सामने देखने को मजबूर कर रही है। और उसी का ही नजरिया नजारा आज फिर से एक बार देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में दो बड़ी चुनावी जनसभाएं, चुनावी रैलियां या चुनावी घोषणाओं की जनसभाएं अगर बोला जाए तो वो सही ज्यादा होंगी, क्योंकि गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने गोरखपुर की जनता को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई सारी प्रमुख योजनाओं का तोहफा दिया है, जिसका शिलान्यास उन्होंने 5 साल पहले करीब किया था और उसका अब उन्होंने आज जाकर उद्घाटन भी किया है। इन योजनाओं से गोरखपुर का विकास होगा, उत्तर प्रदेश के पूरब का विकास होगा। और इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जनता को संबोधित कर रहे थे तो उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी और वो ये थी कि किस तरह से विपक्ष की नाकामियों को गिनाया जाए। उन्होंने बताया कि बीती सरकारों में दबंगों को श्रेय दिया जाता था, दबंगों को खुली छूट दी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार में, योगी जी की सरकार में, कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है कि दबंगों की कमर टूट गई है। उन्होंने ये कहा कि पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, लेकिन हमने राशन के गोदाम खोल दिए हैं ताकि लोगों को सही समय पर, सही तरीके से और भरपूर मात्रा में राशन मिल सके। उनका जो पेट भरने की जो समस्याएं पहले हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर समस्याएं थी, कई सारी और समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं को कहीं ना कहीं एक बंद बक्से में रख करके बंद कर दिया गया है मौजूदा सरकार की तरफ से, और उन सारी योजनाओं को जनता के लिए खोल दिया गया है, जिससे उनका जो कायाकल्प है वो हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से अखिलेश यादव पर, उनकी सरकार पर काफी कुछ हमला बोलते हुए एक बात कही है। वो बात यह है कि लाल टोपी को लेकर के उन्होंने जो बात कही है, उस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो गर्मा गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब टोपी रंग इन सब में घिर चुका है। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में अभी बीते दिनों सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की एक संयुक्त रैली हुई थी, जहां पर पीला और लाल रंग मिल गया था, ऐसा लोग कह रहे थे। और ये कह रहे थे कि इस पीले और लाल रंग को देख करके कुछ के चेहरे जो है वो नीले पड़ गए हैं। भगवा रंग के बारे में आप सबको पता है, जो कि बीजेपी का रंग है, और उस रंग को किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस वक्त चढ़ाया गया है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में 325 सीटें जीतकर बीजेपी 2017 में आई थी, ये कुछ भी छिपा नहीं हुआ है। और अब एक बार फिर से रंगों पर राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की टोपी के रंग पर बोलते हुए कहा कि जिनकी टोपी लाल है वो दरअसल सिर्फ लाल बत्ती को तवज्जो देते हैं, उनके मन में सिर्फ लाल बत्ती रहती थी, और अब उनके लिए यही लाल रंग जो है वो रेड लाइट अलर्ट हो गया है, रेड अलर्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में जनता उन्हें नकारने वाली है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी तुरंत पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी को ये जो लाल रंग है ये दरअसल रेड अलर्ट लगना चाहिए। मेरठ में आज एक संयुक्त रैली हुई है समाजवादी पार्टी की और आरएलडी की, वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, सबके सर पर लाल रंग की टोपी थी और हरे रंग की टोपी थी, जिससे ये साफ साबित हुआ कि एक बड़ा जनसमूह जो है वो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और सपा और आरएलडी के नेताओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुआ था। उसी दौरान अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जिस लाल टोपी की बात कर रहे हैं, दरअसल यही लाल टोपी भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड अलर्ट बन जाएगी और आने वाले दिनों में बीजेपी का सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव ने कई सारे जो प्रमुख मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में उसको भी गिनाया है ट्वीट करके, कि बेरोजगारी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, शिक्षा की बदहाली है, गरीबी है, कई सारे मुद्दे जो हैं अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए गिनाए हैं। और आखिरी में उन्होंने ये कहा है कि ये जो लाल रंग है ये उत्तर प्रदेश से बीजेपी को खदेड़ने का काम करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है ये अब कहीं ना कहीं रंगों में, कटाक्ष पर, बयानों पर और एक दूसरे की कमियों को गिनाने में लग गया है, राजनीतिक दल लग गए हैं। बीजेपी समाजवादी पार्टी सरकार में जो योजनाएं थी, जिन योजनाओं को सही से क्रियान्वित नहीं किया गया, जनता को लाभ मिला या नहीं मिला,
कौन कौन सी वो विकास की योजनाएं थी जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही थी लेकिन समाजवादी पार्टी उसे सही तरीके से जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, इन कमियों को बताने में लगी हुई है। वो ये बताने में लगी हुई है कि मौजूदा सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो कायाकल्प किया है वो दरअसल कोई नहीं कर सकता था। बीती सरकारों ने जो भ्रष्टाचार फैलाया था, आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की थी, उन सब पर नकेल कसा है मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने। और दूसरी तरफ मौजूदा सरकार के खिलाफ लगातार जो विपक्षी है वो लामबंद हो रहे हैं, छोटे छोटे दल जो है वो एक साथ आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जो अलायंस हो रहा है वो भी मजबूत होते जा रहा है, और वो मौजूदा सरकार के ऊपर लगातार उनकी कमियां गिनाने का, उनकी कमियों को बताने का और उनकी योजनाओं को कैसे वो जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगाते जा रहा है और ये कहते जा रहा है कि 2022 में बीजेपी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम से और दक्षिण से लेकर उत्तर तक की जो ये लड़ाई शुरू हो गई है, इस लड़ाई में ये जो रंगों की राजनीति शुरू हुई है, क्योंकि बीते दिनों उत्तर प्रदेश का जो एक विधानसभा सत्र हुआ था उस सत्र के दौरान भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में ये कहा था कि लाल टोपी वालों से बच्चे डर जाते हैं, ये लाल टोपी वाले जहां भी जाते हैं इनसे बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं कि गुंडे आ गए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से लाल टोपी पर बयान दिया है, उसके बाद अखिलेश यादव ने रिपीट उस पर जो रिप्लाई था उनका वो तो दे तो दिया है, लेकिन आखिर लाल टोपी में ऐसा छिपा क्या है, लाल टोपी की समस्या क्या रही है, लाल टोपी ने जनता को क्या दिया है जो लगातार मौजूदा सरकार इनकी कमियां गिनाने में लगी हुई है। और लाल टोपी अगर इतनी ही बुरी थी तो उत्तर प्रदेश में कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे बनी, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनाव में कौन कितना मजबूत है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कौन अपनी हुंकार ज्यादा सही तरीके से भर रहा है और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिशों में कामयाब हो रहा है। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है, ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। ये बदलाव की आवाज है, लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता, यहाँ का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है, किसान के साथ जो धोखा हुआ है, इन्होंने जो वादे किए थे इनका झूठ निकला, इनके वादे जुमले निकले, ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है, इसलिए ये जनता बदलाव करेगी इस बार। ये किसान वो है जो अपना हक चाहता है, किसान गन्ने का भुगतान चाहता है, महंगाई कम हो, समय पर खाद मिले, कीटनाशक दवाइयां मिले, ये सच्चाई है कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो, तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपा ही है। तो आज की इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, गौरव मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, इसके अलावा मयंक यादव समाजवादी पार्टी से हैं, चौधरी सचिन सरोह हैं हमारे साथ आरएलडी से, और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में अभिषेक मिश्रा जी हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मयंक यादव आपके पास आना चाहता हूँ।
ये आज एक गोरखपुर में कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। सबसे पहले तो ये जो टोपी आपने लगाई है, इस टोपी को लेकर के उन्होंने कुछ बोला है आज, और टोपी को लेकर के ही पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में कुछ बोला था। तो क्यों भाई आप लोग ये टोपी लगा रहे हैं, क्यों इतनी समस्याएं पैदा कर रहे हैं? आपने अपने कार्यकाल में तो काफी कुछ समस्याएं पहले ही पैदा कर रखी थी और आप टोपी लगाकर भी पैदा कर रहे हैं। नितिन जी, मैं प्रधानमंत्री जी के रेड अलर्ट और लाल टोपी से जो घृणा का बयान आया है, ये उनकी हताशा निराशा का प्रतीक है। देखिए, पूरा सरकारी अमला लग गया, डीएम एसपी सभी लोग लग गए, परिवहन विभाग की बसें लग गई भीड़ इकट्ठा करने में, कि मोदी जी की जनसभा है, योगी जी की जनसभा है, ठीक ठाक भीड़ हो जाए, कि दिखाने लायक हो जाए, टीवी पर न्यूज़ चलाने लायक हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं पश्चिम में मेरठ में अखिलेश यादव जी और जयंत जी की जो संयुक्त जनसभा थी, परिवर्तन रैली, वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी, अगल बगल की सड़कें जाम थी। तो ये उनकी हताशा और निराशा से भरा बयान था। मैं और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगा, जो वो लाल टोपी से इतनी घृणा करते हैं, तो उनकी घृणा का सबसे मेन रीजन ये है कि हर 5 साल बाद, 5 साल से ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किसी को भी सत्ता में रहने नहीं दिया है। ये हमारा एक छोटा सा गौरवशाली इतिहास रहा है। नहीं तो समाजवादी पार्टी ने निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो अपना मैंडेट देती है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब ये जो पिछले 5 सालों की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, जो गुंडई और जातिवाद से भरी हुई सरकार है, प्रधानमंत्री जी के रेड अलर्ट में बताना चाहूंगा, लखीमपुर कांड, और अभी हाल ही में इलाहाबाद में एक परिवार पर जो हमले हुए, उनकी लाशें मिली, हाथरस में बेटी के साथ जो अनहोनी हुई, जो घिनौनी करतूत हुई, रातों रात उसे पेट्रोल डालकर जला दिया गया, ये सब मोदी जी के लिए रेड अलर्ट है। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, ये मोदी जी के लिए रेड अलर्ट है, योगी जी के लिए रेड अलर्ट है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो यूपी की बदहाल हुई है, पिछले कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि लाशें किस तरह से जलाने के लिए जगह नहीं थी, शमशान घाट पटे पड़े थे, रात रात भर लोग लाइन में लगकर लाशें जलाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये योगी और मोदी जी के लिए रेड अलर्ट है, और रेड अलर्ट इनके लिए जो महिलाओं के साथ ये लोग लगातार घिनौनी हरकतें करने वालों का समर्थन करते हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, बेटियों की राशें रातों रात जलवा देते हैं, ये इनके लिए रेड अलर्ट है। अच्छा, जो आज आप व्यापार लोगों बर्बाद की हुआ, वो इनके लिए रेड अलर्ट है। आज आप लोगों की एक संयुक्त रैली हुई है आरएलडी के साथ, उस रैली में क्या माना जाए कि अब आप लोग साथ आ गए हैं, ये तो ऐलान हो गया है, कितनी सीटों पर बात बनी है और पश्चिम में कितना जनाधार आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मिल जाएगा? क्योंकि 2017 में तो बीजेपी को फुल सपोर्ट वहां से मिला था, लेकिन इस बार क्या उम्मीद लगाई जाए कि वहां पर क्या होने वाला है? देखिए, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, गठबंधन हो चुका है, ये शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा, और माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत जी के बीच ये बात लगभग लगभग तय हो गई है कौन किस सीटों पर लड़ेगा। समय आने पर वो भी बता दिया जाएगा सभी लोगों को। और एक बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो मोदी जी को, योगी जी को लाल रंग से जो तकलीफ है, असल में इन्हें सिर्फ लाल से ही तकलीफ नहीं है, इन्हें हरे रंग से भी तकलीफ है, इन्हें पीले रंग से भी तकलीफ है, इन्हें नीले रंग से भी तकलीफ है। ये सारे रंग आपके पास है ठीक है, क्या? ये सारे रंग, देखिए, दुनिया को और समाज को रंगों से परिचित करवाया हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे भारत ने, कि इतने प्रकार के रंग होते हैं, ठीक है। और फिर ये लोग, जैसे सांड होता है, कहा जाता है सांड लाल रंग देखकर भड़क जाता है, हालांकि सच्चाई ये नहीं है, ये एक मिथक है। सच्चाई ये है कि सांड को कलर ब्लाइंडनेस होती है, जब उसके सामने कपड़ा हिलाया जाता है, लाल रंग दिखाया जाता है, जैसे लाल टोपी दिखा दीजिए, जैसे योगी मोदी जी भड़क रहे हैं, वैसे ही सांड भड़क जाता है। तो इन नहीं, लोगों ऐसे को नहीं कह कलर, सकते आप, देखिए, ऐसे नहीं इन कह लोगों सकते। को कलर ब्लाइंडनेस है, सभी रंगों से इन लोगों को परहेज है, और ये लोग काली टोपी वाले हैं। देखिए, रंगों से हम लोगों को परहेज नहीं, हम लोग सभी रंगों से प्रेम करते हैं, ये जो काली टोपी वाले हैं, इन लोगों का दिल काला है, इन लोगों की सोच काली है, इन लोगों की जो विचारधारा है वो काली है, ठीक है। देखिए, ये चीजें रंगों को लेकर जो ये लोग नफरत फैला रहे हैं समाज में, देश में, ये बहुत ही गलत है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको बात करनी चाहिए कि कहां आपने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, कहां आपने लखनऊ मेट्रो बनवाई, कहां आपने डायल 100 दिया, 1090 दिया, आपको इस पे बात करनी ठीक चाहिए है, ना ठीक कि है, आपको बात करनी मैं चाहिए आता कि हूं। लाल टोपी पे, हरी टोपी पे। आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास सत्ता है, आप कर ठीक सकते हैं ठीक आगे, है ठीक है, मैं आता लेकिन हूं, नहीं कि आप मैं लोगों आता हूं, ने। नेक्स्ट राउंड में आता हूं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। गौरव जी, आज
सपा की और आरएलडी की एक प्रमुख संयुक्त रैली हुई है पश्चिम में उत्तर प्रदेश में, और वहां पर अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, बिजली पर, किसानों के मुद्दे पर वोट देने वाली है और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। आप इस बात को कितना मानते हैं, कितना है सहमत हैं इस बात से? और दूसरी चीज, आप लोगों की तरफ से या प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो आज लाल टोपी को लेकर बयान दिया गया, उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा है कि ये लाल टोपी दरअसल बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है। जी देखिए, जो अखिलेश जी का बयान है बिल्कुल सही है, शत प्रतिशत सही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर, किसानों पर, डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जी वोट देगी जनता। तो निश्चित रूप से जनता उसी पर वोट देगी, लेकिन बाद में जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो बयान रखा कि भाजपा को उखाड़ फेंकेगी, दरअसल उखड़ के जहां ये फेंक करके गिरे हुए हैं वहीं पड़े रहेंगे 2022 के बाद भी। अच्छा। क्योंकि जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को लाएगी। इनका जो विकास था, इनका जो विकास का मॉडल था, दरअसल वो विनाश तक ले जाता है। पूरे प्रदेश ने उस विनाश को देखा है, महसूस किया है, जनता ने अपने आप में को महसूस किया है अपने घरों में रह करके। इसलिए आज जब सपा की बात आती है तो निश्चित रूप से लाल टोपी आंख के सामने लोगों के दिखने लगती है, और उस लाल टोपी का जो आतंक था, जो तांडव था, इसीलिए बार बार बच्चे भी कहते हैं जिस गाड़ी में लाल झंडा हो, जिस गाड़ी जिसके सर पर लाल टोपी हो, निश्चित रूप से वो वहां का कोई ना कोई मशहूर गुंडा जरूर होगा। तो ये कहावत आज गलियों गलियों में है, ये कोई नई बात आज नहीं रह गई है। और देखिए, एक प्रयोग हुआ था 90 के दशक से, जब जातिवादी राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ देश के अंदर में, तो बहुत सारे इस तरह के दल उभरे और जनता को ऐसा लगा कि ये हमारा भला करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जातियों के आधार पर इन कुनबों ने एक गिरोह खड़ा कर लिया, और उस गिरोह के जो मेंबर थे उन्होंने तो मलाई लिया सत्ता का, वो तो आगे बढ़े, लेकिन जिन जातियों के आधार पर ये बढ़ना शुरू किया, उन जातियों की स्थिति परिस्थिति और पीछे चली गई और खराब हो गई। जो इनके चाटुकार बने रहे उनका विकास हुआ, बाकी सबका विनाश हुआ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है, और विकास सबके घरों तक पहुंचा है, गरीब तक पहुंचा है, बिना जाति के भेदभाव के पहुंचा है, बिना धर्म के भेदभाव के पहुंचा है, ये जनता अब इस बात को महसूस कर चुकी है और एक नव निर्माण की तरफ देश आगे बढ़ चुका है, प्रदेश आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा पूरे दुनिया में गूंज रही है, इस मॉडल को स्वीकार किया जा रहा है। अभी हमारे भाई ने कहा कि कोविड काल की परिस्थितियां कैसी थी, उसी कोविड काल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए काम की सराहना WHO ने भी की, ऑस्ट्रेलिया ने की, तमाम दुनिया के देशों ने की। तो मुझे लगता है कि एक नए दिशा की तरफ, एक नव निर्माण की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ चुका है। अब उसमें पीछे मुड़ करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जाति के आधार पर गठबंधन बना रहे हैं, अंक गणित के आधार पर, प्रतिशत प्रतिशत के आधार पर गठबंधन बनाने में लगे हुए। जनता इस बात को भली प्रकार समझ रही है, और निश्चित रूप से 2022 में उनका ये भी मिथक फिर टूटेगा, जैसे 2014 में, 2017 में, 2019 में जनता ने इनको धता बताया जातिवादी और वंशवादी और परिवारवादी राजनीति को, एक बार पुनः 2022 में इनको हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। अच्छा गौरव जी, ये पूछना था कि आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली पश्चिम में हुई है, तो क्या इससे कोई फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को या आरएलडी को? कुछ नुकसान आप लोगों को दिख रहा है कि हो सकता है? देखिए, 2017 में किसी को हाथ पसंद था, 2019 में बुआ बगुआ साथ थे, तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के प्रयोग इन लोगों ने पहले नहीं किए हैं। जो अपने जिसका अस्तित्व खतरे में पड़ा हो, जिसके अस्तित्व के लाले पड़े हो, वो लाल टोपी पहन करके अपने पहचान को बना करके घूम रहा है। देख चुके हैं, जो परस्पर आपस में शत्रुता का जीवन निर्माण करते थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, वो एक साथ आकर के भाजपा के खिलाफ लड़ करके देख चुके हैं। इसी देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको उनके जद में रखा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता सीधे जनता से है, किसी बीच के ब्रोकर, दलाल या इस तरह के लोगों से नहीं है। जनता के लिए पार्टी काम करती है, 24 घंटे चलती है, और सरकार में आज जो पार्टी है वो जनता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रही है।
ठीक है सर, हमारे साथ सचिन है आरएलडी से। सचिन भाई, आज आप लोगों की संयुक्त रैली तो हो गई, पता चल गया कि आप लोग एक साथ आने वाले हैं। ये पता चल गया है कि आप लोग एक साथ आने वाले, तो क्या सीटों पर भी कुछ बातचीत बनी है? कुछ पता चला है कि कितनी सीटें मिलेंगी आप लोगों की, या फिर कहां कहां से आप लोग लड़ने वाले हैं? आने वाले नहीं है, हम लोग आ चुके हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम दोनों दल चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय लोहिया जी की विचारधारा के दल है। हम दोनों की विचारधाराएं समान है और हम लोग आ चुके हैं। जहां तक सीटों का मामला है, हम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, संयुक्त रूप से लड़ेंगे, और 403 सीटों पर चुनाव लड़के स्पष्ट बहुमत की गठबंधन की सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में काम करेंगे जी। अच्छा, आज प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश में थे, गोरखपुर में। उन्होंने अखिलेश यादव और सपा के कार्यकाल के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि लाल टोपी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप भी अब सपा के साथ हैं, और ये आप लोगों के लिए रेड अलर्ट का काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितना आपके पास है उससे भी कम आने वाले चुनाव में मिलने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि लाल टोपी को सिर्फ लाल बत्ती से ही मतलब था, उन्होंने इस बात को कहा है। और एक अहम चीज ये है कि पश्चिम का, जहां से आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, जिन जिन सीटों पर, या पश्चिम की उस बेल्ट की बात करी जाए, तो अब कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? क्योंकि अब तक कृषि कानून को लेकर आप लोग चुनाव में उतरने वाले थे, कह रहे थे कि हम किसानों की आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन सरकार ने उसका भी रास्ता निकाल लिया है। तो अब कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आएंगे, और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा का ध्यान होना चाहिए। लाल टोपी, अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और इनकी जो प्रचारक टीम है उत्तर प्रदेश में और देश में, वो पूरी एक्टिव हो जाएगी। उसको गन्ना दिखाई नहीं देगा, जिन्ना दिखाई देगा, पाकिस्तान दिखाई देगा, या बेरोजगार दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम दिखाई देगा, कहीं मंदिर के निर्माण दिखाई देंगे। भैया, इन लोगों का एक कहावत अगर मुझे आप समय दे तो मैं एक कहावत सुनाना चाहता हूं। एक बार एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया, और उसको जब पकड़ा गया तो सजा के रूप में कहा गया कि भैया तो 100 प्याज खा ले या 100 जूते लगवा ले। तो चोर ने समझा कि भाई प्याज खा लूंगा, तो जैसे उसने प्याज खाई, जैसे जो बात गाड़ी बनी, उसने कहा भाई प्याज तो मैं नहीं खा पाऊंगा, मुझे जूते खिलाओ। जैसे उसको 20-25 जूते पड़े, उसका फिर मन बदला और उसने फिर प्याज खाई। तो इसी तरह वो 100 प्याज भी खा गया और 100 जूते भी खा गया। पूरे किसान आंदोलन में 750 किसानों की शहादत करने के बाद आया कि हेलो जी, बताइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ध्यान आया कि 750 शहादत होने के बाद उनसे कोई गलती हुई थी और मैं माफी मांग रही थी। ठीक है, ठीक है। तो मुद्दा बताइए, पश्चिम का मुद्दा बताइए। देखिए, मुद्दा पश्चिम का हो या प्रदेश का हो, मुद्दा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। अभी यूपी टीईटी का पेपर लीक हुआ है, आप सबने देखा है, और मीडिया के माध्यम से जो चीजें निकल के सामने आई, भाजपा के विधायक के भाई ने पूरे इस खेल को रचा, पूरा तंत्र सक्रिय था घोटाला करने में, बेईमानी को करने में। तो देखिए, मुद्दा है किसान को उसकी फसल का उचित मुआवजा दाम मिले, सॉरी, ठीक है, उसको समय से भुगतान मिले। गन्ने का लगभग 10,000 करोड़ का बकाया प्रदेश में है, वो समय से हो, जो 14 दिन में देने का इन्होंने वादा किया था। उत्तर प्रदेश में बिजली देश में सबसे ज्यादा महंगी है और किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिलता, और जब एक आम आदमी अपना बिल जमा नहीं कर पाता है तो अधिकारी चले जाते हैं उसका कनेक्शन काटने, उस पर FIR करने चले जाते हैं और उसको जेल में डालने का काम ये सरकार करती है। बहुत मुद्दे हैं और जनता त्रस्त हो चुकी है। फ्री सिलेंडर देके दुनिया को उज्ज्वला योजना के नाम पे आज 1,000 रुपए से भी ऊपर सिलेंडर
चला गया और दोबारा से मजबूर है वो महिलाएं चूल्हा जलाने के लिए। तो कहा कि शर्म इन लोगों के अंदर है और कहा कि ये बात करते हैं लाल टोपी गन्ना जिन्ना पाकिस्तान कहराना, क्या इन पे उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है सचिन जी। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं विश्लेषक के रूप में। अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज दो बड़ी चुनावी जनसभाएं कहीं कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में थी। हालांकि गोरखपुर का जो जो उद्घाटन लोकार्पण का कार्यक्रम था उसे भी हम चुनावी जनसभा के तौर पर कह सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है और बातें वहां पर भी चुनाव को लेकर के ही बीती, सरकारों के कार्यकाल को लेकर ही हुई। आप बताइए आपको ज्यादा भीड़ कहां पर ज्यादा दिखाई दी? दूसरी चीज, ये जो बयान आया है लाल टोपी और रंगों को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव को अब उसमें समेटा जा रहा है, चुनावों में रंगों की राजनीति करी जा रही है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई सारे जो मुद्दे, क्योंकि आज सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली पश्चिम में हुई है, तो क्या इस पश्चिम की बेल्ट में बीजेपी को ये दोनों मिलकर के नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं? देखिए, जहां तक बात भीड़ की है तो भीड़ तो आप देखिए इधर अब चुनाव का टाइम आ गया है, सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकतें झोंकते हैं। जब भी किसी बड़े नेता का प्रोग्राम होता है, वो चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का हो, तो उसकी पार्टी के जो भी वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं बूथ लेवल से लेकर जिला अध्यक्ष तक के, वहाँ के विधायक सांसद या विधायक प्रतिनिधि जो भी होते हैं, वो अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं क्योंकि उनको टिकट लेना होता है, और ऐसी परिस्थिति में भीड़ तो होती है। सवाल भीड़ का नहीं है, सवाल ये है कि ये भीड़ जो है वो वोट में कितना तब्दील होगी और किस तरह दल के लिए होगी, क्योंकि कांग्रेस की भी रैलियां हुई हैं, प्रियंका जी जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, आप उनकी में भी भीड़ देखिए, तो लगता है कि शायद कांग्रेस अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गई, कांग्रेस शायद अब पुनर्जीवित हो गई, लेकिन वो कितना वोट में तब्दील हो पाएगी उस भीड़ को, सवाल वो है, और उसमें अभी बहुत समय है। अखिलेश यादव भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं, प्रयासरत तो हर कोई है, वो भी है, और आज की तारीख में ये तथ्य तो कहीं किसी से नहीं छुपा है कि सबसे जो मेन कंटेस्टिंग पार्टी है, अगर कोई रूलिंग पार्टी को इस समय नंबर दो की पार्टी अगर आज की तारीख में कोई है तो समाजवादी पार्टी है। तो प्रयासरत भी है, प्लस अलायंस भी बना रहे हैं, अलायंस पहले भी उन्होंने बनाया है, लेकिन अब इस बार के अलायंस में उनको कितना लाभ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लोकदल जिस तरह से किसानों के साथ खड़ा रहा, जिस तरह से किसानों के साथ उन्होंने संघर्ष किया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के बाद किसान कितना उसके साथ आएगा, ये सब चीजें अभी देखिए, अभी तो सारे तर्क, ये सारे तीर अभी तर्कस में ही हैं, अभी तो ये एक ट्रायल चल रहा है, असली खेल, असली बातें, असली मुद्दे अभी उछलने बाकी हैं। अच्छा। और सत्ता पार्टी बहुत, जो मौजूदा पार्टी है, ये थिंक टैंक का, इनका जो थिंक टैंक है वो बहुत मजबूत है, वो अभी बहुत नए नए सगुबे छोड़े गए। पिछली बार भी जब 2017 का इलेक्शन था तब भी प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान की बात करके गए थे, इस बार रंग की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी वो किसी पार्टी जगह भाषण में, वो जब सीए का आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि उनके कपड़ों से पहचान लीजिए कि वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठ कर, खैर इतनी इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, तो अब कपड़ों से यही, और इस देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ अगर आप किसी महापुरुष की तारीफ कर दीजिए, अगर आप लोहिया जी की तारीफ कर दीजिए तो आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मान लिए जाएंगे, आप जो है अम्बेडकर जी की बात कर लीजिए तो आपको बहुजन समाजवादी पार्टी मान लिया जाएगा, आप नीला रंग की शर्ट पहन लीजिए तो आपको पार्टी से जोड़ लिया जाएगा, आप लाल रंग की पहन लीजिए तो आपको पार्टी जोड़ दिया जाएगा, केसरिया से पहन लेंगे तो आपको एक पार्टी से। देखिए, रंग से, महापुरुषों की बातों से, उनके नाम से, और आप भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधे भगवान को ही ले रखा है, राम की ही बात करते हैं, अगर आप ज्यादा जय श्री राम लगाए, भले आप अपनी आस्था से जय श्री राम लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाले उसको, अगर आज के माहौल में आप कहीं जय श्री राम बोल दीजिए तो सुनने वाला आदमी आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट कर लेगा, बेशक आप अपनी, वो आप अपने ईश्वर की आस्था से कर रहे हैं, आपका बेशक भारतीय जनता पार्टी को लेने जाना हो या ना हो। तो राजनीतिक पार्टियों ने एक ऐसा माहौल बना रखा है कि आप कपड़ों से, बातों से, महापुरुषों के नामों से, रंगों से आप लोगों को पहचानते हैं और उनकी उनकी पार्टियों के साथ जोड़ देते हैं, तो यह आपकी सोच है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन है इसमें मुद्दों की बात होनी चाहिए, और खास तौर से जब प्रधानमंत्री बोल रहा हो, जब मुख्यमंत्री बोल रहा हो, जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति बोल रहा हो, तब वो कपड़ों की बात करे, वो अगर प्रधानमंत्री ऐसी बातें करेगा तो फिर विधायक सांसद जैसे लोग जो अपनी इलेक्शन में कन्विंसिंग करने जाते हैं, वो तो ना जाने फिर कैसी कैसी छिछली छिछली बातें करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे इस बात पर जरूर है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठ करके रंगों की बात नहीं करनी चाहिए। रही बात टोपी, हर कोई लगाता है, कोई लाल लगा रहा है, कोई हरी लगा रहा है, कोई पीली लगा रहा है, कोई नीली लगा रहा है, कोई खाकी लगा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि टोपी कौन सा राजनीतिक दल नहीं लगा रहा है। खाकी की बात कहां से करने लगे, टोपी तो सब पहन रहे हैं ना, टोपी लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती है, कोई क्या खाकी की टोपियां नहीं पहन रहे लोग, क्या गांधी की सफेद टोपियां नहीं पहनी जा रही है देश में, टोपी तो हर कोई पहन रहा है।
अब जिसका रंग जिस जब जनता को पसंद आ जाता है जनता उस रंग पर भाग लेती है, कभी लाल पसंद आ जाता है तो लाल पर भागती है। अच्छा, पश्चिम में कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे क्या ये लोग मिलकर बीजेपी को? अब देखिए, ये देखिए किसानों के साथ जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, और वो पश्चिम की जो बेल्ट है वहां के जो किसान हैं वो जागरूक किसान है, अपने अधिकारों को जानने वाले किसान है, अपने अधिकारों के लड़ने वाले किसान है, पढ़े लिखे किसान है। एक बात ये अक्सर कहा करते थे कि साहब किसान तो अपने खेतों में है। देखिए, पूर्वांचल के किसानों में और पश्चिम के किसानों में बड़ा फर्क है, उनकी खेती के तरीकों में बड़ा फर्क है, उनके यहाँ और जागरूकता में बड़ा फर्क है। उनके यहाँ 70% किसान पढ़ा लिखा और लिटरेट और इंटेलेक्चुअल क्लास का किसान है, जो किसानी भी करता है और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करता है। हमारे यहाँ किसानी या तो पूरी तरीके से किसानी वो लोग कर रहे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ है, या वो लोग कर रहे हैं जो सर्विस भी कर रहे हैं और किसानी भी कर रहे हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब की तरह। तो यहाँ के वर्ग में वहां के किसानों में बड़ी फर्क है। जितने आंदोलन आज तक किसानों को लेकर के, वही ये कोई पहला किसान आंदोलन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गन्ना मूल समर्थन को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत बार किसान आंदोलन किए, विधानसभा में बहुत बार आंदोलन हुआ, आलू के रेट को लेकर के हुआ है, आप कभी जाकर देख लीजिए। अगर सबसे ज्यादा किसान आपको यूपी में लखनऊ पूर्वांचल से नजदीक है, लेकिन किसान सबसे ज्यादा आपको पश्चिम के मिलेंगे, वहां भी विधानसभा के सामने भी आंदोलन हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, गन्ने के रेट को लेकर के हुए हैं, गन्ना किसान के पैसे के भुगतान को लेने के लिए आंदोलन हुआ है, आलू के मूल्य को लेकर के आंदोलन हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आलू फेंका गया था सचिवालय के सामने, एक डेढ़ साल पहले की बात है। इसी आप देखिए वहां पर कौन लोग आते हैं, क्या यूपी, क्या गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, ये जो क्षेत्र है यहां से कितने किसान आते हैं? लखनऊ से कितनी दूरी है? 100 किलोमीटर की दूरी होगी मुश्किल से। लेकिन अगर आप बांदा, बदायूं, सहारनपुर, मेरठ उस तरफ चले जाइए, वहां के किसान जाकर देखिए, वो बताएंगे कि हाँ मैं वहां का हूं। तो जागरूकता की बात होती है, वो ज्यादा जागरूक हैं। तो और जिस तरह से इस मामले में आपने पहले उनको आतंकवादी कहा, फिर उनको आपने खालिस्तानी बताया, फिर उनकी जब 600-700 लोग मर गए, काफी दिनों तक संघर्ष वो करते रह गए, अल्टीमेटली आपने कहा नहीं मुझे समझाने में गलती है, मुकदमे आज भी चल रहे हैं उनके ऊपर, तो ये गुस्सा, इस गुस्से को कितना ये, मतलब ये पैचअप कितना कर पाते हैं, सवाल ये है, क्योंकि अभी 3-4 महीने हैं, अब उसको उस गुस्से को कितना ये पैक, उसको कवर अप कर पाएंगे, इस पर सवाल जरूर उठता है, मगर गुस्सा उतरेगा जरूर रोट में, ये निश्चित है। ठीक है, हमारे साथ मयंक, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जब गौरव जी कुछ कह रहे थे तो आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपको रोका था, क्या थी वो बात? देखिए, ये लोग जो अभी बातें कर रहे थे कि जातिवाद है, परिवारवाद है, खैर ये लोग, इन लोगों का तो यही काम ही है, ये लोग कभी इस बात पर वोट ही नहीं मांगेंगे कि हमने कौन सा एक्सप्रेसवे बनवाया, कहाँ मेट्रो बनवाई, कहाँ बेटियों की शिक्षा के लिए क्या किया। ये लोग तो सिर्फ रंगों पर ही बात करेंगे, कपड़ों पर ही बात करेंगे, दाढ़ी बाल लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास चुनाव में आने के कोई भी मुद्दे नहीं है। भले इन लोगों ने 5 साल सरकार में काट ली हो यूपी की और 7-8 साल काट लिए हो केंद्र की सरकार में, क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किए हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद इन्हीं बातों पर ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में बैठ कर भी सड़क, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवाओं के साथ जो ये सरकार गलत कार्य कर रही है, अभी 2 दिन पहले ही 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर इन लोगों ने लाठी चलाई मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर, क्योंकि वो लोग अपने लिए आवाज उठा रहे थे, कैंडल मार्च कर रहे थे मुख्यमंत्री आवास के बाहर, ये मुख्यमंत्री जी को हजम नहीं हुआ, ये उनकी शान में गुस्ताखी थी, क्योंकि वो अपने आप को एक ऐसा राजा समझते हैं कि वो जो कह दें वही होना चाहिए। ऐसा इस उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है, हम लाल टोपी वाले इन लोगों की तानाशाही को चलने नहीं देंगे। अगर ये लोग एक अच्छे मुख्यमंत्री की तरह काम करेंगे, अच्छे प्रधानमंत्री की तरह काम करेंगे तो हम लोग इंटरप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये लोग गुंडाई कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही भाजपा का झंडा लगी गाड़ी ने पेट्रोल पंप पर लूट किए 50,000 रुपए की, माननीय बीजेपी प्रवक्ता महोदय को शायद जानकारी न हो, और इस तरह के कारनामे हर दिन हर प्रदेश के हर जिले में होते हैं। बीजेपी का झंडा देखकर लोग कहते हैं यार रहने दो, ये लोग मुख्यमंत्री के लोग हैं। और सीधी सी बात यह आती है, आज के टाइम पे जो भी जमीनें पड़ी हुई हैं वहां पर आप जाके देख लीजिए, सिर्फ बीजेपी के लोगों का ही हस्तक्षेप है, वहां वो लोग खुलेआम गुंडाई करते हैं। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, रायबरेली में एक बीजेपी के नेता ने सड़क के किनारे एक जमीन जब घेरी, उस दिन उप मुख्यमंत्री महोदय का दौरा भी था रायबरेली में, पूरी बैरिकेडिंग करवा कर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय दूसरे रास्ते से अंदर से होकर वहां से गुजरे हैं, क्योंकि वहां पर कब्जा चल रहा था सुबह, और सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, दोपहर में ही कब्जा चल रहा था। तो बीजेपी के लोग इन सब चीजों पर बात ना करें, आप लोग 5 साल सरकार में रहे, आप लोग बताइए कि आप लोगों ने युवाओं के लिए क्या किया है, सिर्फ लाठी ही मारी है आप लोगों ने युवाओं को।
बेटियों के साथ आप लोगों ने जब अन्याय हो रहा था, आप अपराधियों को सजा देने के सिवाय उनके पक्ष में खड़े, क्योंकि वो अपराधी जो थे हाथरस कांड के, वो मुख्यमंत्री की जाति के थे। ये आप लोगों का जातिवाद है। हम लोग जातिवाद सिर्फ इसलिए जातिवाद की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जातिवादी है, सिर्फ अपनी जात को ही लेकर चलना चाहते हैं। तो अगर इतना अच्छा काम आप लोगों ने किया था तो जनता ने आपको क्यों नकार दिया, और अब आप जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जनता फिर से एक बार आपको बुलाए? जनता 2017 के चुनाव में इनके जुमलों में आ गई थी, जनता जान गई है। काम करने वाले उत्तर प्रदेश में एक ही नेता है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, 18 लाख लैपटॉप उन्होंने जो बांटे, 18 लाख से ज्यादा ही लैपटॉप बांटे, सरकार बनते ही तुरंत जैसे इंटर के जो पास आउट छात्र थे उनको तत्काल लैपटॉप दिया गया। उसके बाद हमारे घोषणा पत्र में आगरा एक्सप्रेसवे नहीं था, मेट्रो नहीं थी, लेकिन घोषणा पत्र के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सॉरी अखिलेश यादव जी ने मेट्रो दी। और बात आती है जहां स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अन्य अन्य जिलों में दिए। ये लोग अगर समाजवादी सरकार के या पिछली सरकारों के बने हुए अस्पताल ना होते तो कोरोना काल में जो मुख्यमंत्री जी पिकनिक मनाने दिल्ली कभी बंगाल जाते थे, कभी असम जाते थे, उसके बाद भी स्थिति इतनी बदहाल थी क्योंकि यहाँ पर देखने वाला कोई तो उनको अपनी सिर्फ ब्रांडिंग से मतलब था। ठीक है, सिर्फ जो बच पाया, जितने लोग बच पाए वो पिछली सरकारों की ही देन थी। भाजपा सरकार के अगर मत्थे बैठते तो लोग जो मर रहे थे उनको तो वहां तो जगह मिल नहीं रही थी। भाजपा सरकार सिर्फ झूठ और नफरत की राजनीति करती है, और ये रेड अलर्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पूरब से लेकर पश्चिम तक, बुंदेलखंड तक, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत जी की जो भी जनसभाएं होती हैं, वहां जो जन सैलाब उमड़ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड अलर्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए रेड अलर्ट है, मुख्यमंत्री जी के लिए रेड अलर्ट है, क्योंकि ये 2022 में ये लोग झोला उठाकर यहां से जाने वाले हैं। ठीक है, सचिन हमारे साथ है। सचिन, अभी जिस तरह से अभिषेक मिश्रा ने कहा कि पूर्वांचल पश्चिम का जो किसान है वो इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, और उसको पता है कि उसे क्या करना है, आप इस बात से कितना सहमत हैं और कितना फायदा इससे आप लोगों को होगा या नहीं होगा? बिल्कुल फायदा होगा, और जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है। पश्चिम का किसान एडवांस है, वो पढ़ा लिखा है, वो आज सोशल मीडिया पे भी रहता है, वो आज मोबाइल भी चलाता है, वो आज गाड़ी भी चलाता है, वो आज अपने खेती किसानी भी करता है। और यही कारण है कि भाजपा के इस फ्रेम को पश्चिम का किसान अब समझ, और वो निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में अब प्रदेश की सरकार देखना चाहता है, विकास के नए आयाम वो देखना चाहता है। जिस तरीके से इस पूरे प्रदेश को भाईचारे को बांटने का काम पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकारों ने किया, जातिवादी एक माहौल पैदा करने का पूरे प्रदेश में इन लोगों ने काम किया, जहां दलितों का उत्पीड़न करने का काम किया, जहां छात्रों का उत्पीड़न करने का काम किया, जहां बेरोजगारों पर लाठी चलाने का काम किया। अभी दो दिन पहले आपने लखनऊ में देखा होगा किस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी वहां प्रदर्शन करने गए थे उन पर किस प्रकार वहां योगी जी की पुलिस ने डंडे बरसाने का काम किया। उसमें हमारे राष्ट्रीय लोकदल के युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अंबु सिंह पटेल जी को भी चोट आई, उस प्रदर्शन में वो उनको समर्थन देने गए थे। तो ये लोग, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगी जी की भाषा है कि ठोक दो, बुलडोजर चला दो। मैं योगी जी से और हमारे भाजपा के मित्र बैठे हुए हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं किया? कोई नैतिकता है आप लोगों में? इंसानियत बची है? सरेआम किसानों को कुचल दिया जाता है और मंत्री, गृह मंत्री के साथ लखनऊ में खड़े होकर मंच पे फोटो सेशन करवाते हैं, बेहया है सरकार के लोगों। ठीक है सचिन, ठीक है, ठीक है। गौरव जी, दो तीन सवाल है। जैसा कि अभी मयंक बता रहे थे, उन्होंने बताया कि कोरोना में अगर किसी की जान बची है तो वो उन अस्पतालों की वजह से बची है जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है, और जिससे रेड अलर्ट की बात आप लोग कर रहे थे वो दरअसल रेड अलर्ट आप ही के लिए है, ऐसा समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं। आप इन बातों से कितना वाकिफ है, कितना तारुफ रखते हैं? ये जो कोरोना वाली बात कही गई कि जिनकी जान बची वो अस्पताल वही थे जो समाजवादी पार्टी ने बनवाए थे। देखिए, इन्होंने कहीं अस्पताल नहीं बनवाया था। मैं एक एक करके सभी साथियों का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो ये उत्तर दे दूं आपका, ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसके कार्यकाल में बुंदेलखंड के क्षेत्र में सूखा पड़ा था, ऐतिहासिक सूखा पड़ा था,
और वहां 47 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। और जब राज्य सरकार का राहत पैकेज वहां पे गया तो बाकायदा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उनके पदाधिकारी थे, उन तक ही वो राहत योजना का फायदा पहुंच पाया और आम किसान ले ही नहीं पाया। फलस्वरूप सैकड़ों किसान की जान चली गई उसमें। 2015-16 में यह सूखा पड़ा था, रिकॉर्ड गूगल करके देखिए आपको पता चल जाएगा। तो जो लोगों के मरने और मारने में विश्वास रखता हो, प्रदेश को रक्तरंजित करने में विश्वास रखता हो, मुजफ्फरपुर के दंगे हुए और उन दंगों के बाद इन्हीं के नेता ने यह कहा कि एक समाज का, अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमानों का मुकदमा वापस होगा, बाकी किसी का मुकदमा वापस नहीं होगा। अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय इस बात को कह रहे थे बहुत जोर से कि प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देते, पर भी उनको दो टिप्पणी करनी चाहिए थी कि जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि देश के संसाधनों पर मुस्लिम का ही अधिकार है, और जब देश प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि हमें अगर गोली नहीं चलवाया होता तो मुसलमान हमको वोट नहीं देता, तो इस पर भी उन्हें स्पष्ट और साफ टिप्पणी करनी चाहिए थी निष्पक्षता से। मुझे गौरव जी वो लोग आज की तारीख में संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं। निष्पक्षता गौरव जी जिन लोगों की आपने बात की है वो आज की तारीख में किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं। मैंने संवैधानिक पद की बात की है गौरव मिश्रा जी। मनमोहन सिंह किस पद पे थे उस समय, प्रधानमंत्री थे क्या? गौरव मिश्रा जी जिनकी बात आपने की है, ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री का है, मुसलमानों का हक है, क्या आप बात कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी ने क्या कह रखा? कौन लोग के सड़कों पर, किस तरह के लोग के सड़कों पर? सच्चाई को कहना गलत बात है क्या? कहिए, सच्चाई को जनता के सामने कहना गलत बात है क्या? और उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव। अगर आप सच का इतना ही साथ देते हैं तो बता दीजिए लखीमपुर किसान कांड के किसान कांड वालों को कब पकड़ा जाएगा? अजय टेनी जी कब पकड़े जाएंगे? वो अपने पर कोई बात नहीं करेंगे। करके बोलिए प्लीज, आप लोगों ने रख रंजित गाड़ियां चढ़वाई, जीपे चढ़वाई, वो अपराधी कब पकड़े जाएंगे? अजय मिश्रा टेनी पर आप लोग गौरव जी को बोल लेने दीजिए क्या कह रहे हैं। आप लोग पहले बात पूरी सुन लीजिए गौरव जी की, फिर एक एक करके बोलिए, एक एक करके प्लीज। हाँ गौरव जी, देखिए लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो किसान जो 200 किलोमीटर दूर का था वो कैसे लखीमपुर वहां पहुंच गया? वो लोग प्रदर्शन करने आए थे, वो लोग कह रहे थे हम प्रदर्शन करने आए हैं, वो लोग प्रदर्शन करने गए थे। क्या आप विरोध को, लोकतंत्र में विरोध की जगह है, लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, वो विरोध करने आए थे, उनका हक था। क्या उन पर आप लोग गाड़ी चढ़वा देंगे? हम भी आपका विरोध करते हैं, क्या हम पर आप गाड़ी चढ़वाएंगे? आपकी सरकार गाड़ी चढ़वाएगी? योगी आदित्यनाथ जी अपनी गुंडाई बस गाड़ी चढ़वाएंगे हम पर? किसानों पर आप लोग गाड़ी चढ़वाकर उनसे वोट चाहते हैं? वन बाय वन प्लीज, एक एक करके, एक एक करके प्लीज। अभी वापस नहीं लिए उनसे, अभी आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का प्रयास तो समाजवादी पार्टी करती है। आतंकियों की बात आप लोग करते हैं, आप लोग किसानों को भी आतंकी कह रहे थे, उसके बाद भी आप लोगों ने, अगर उनको आप आतंकी मानते हैं तो बिल वापस क्यों ले लिया आपने? अजय मिश्रा टेनी जी कब बर्खास्त होंगे? क्योंकि उनके पद पर रहते ये जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है। सुनने का भी धैर्य रखिए। हां सुनिए सुनिए भाई, सचिन भाई प्लीज, सचिन जी प्लीज सुन लीजिए गौरव जी क्या कह रहे हैं। हाँ अपने अपने विरोधी दल को भी सुनने की क्षमता रखिए। सचिन भाई बोल लेने दीजिए भाई, सुन तो लीजिए गौरव जी क्या कह रहे हैं। सचिन भाई, सचिन जी प्लीज प्लीज, सचिन जी सुन लेने दीजिए क्या कह रहे हैं गौरव भाई। हाँ जी गौरव जी, हमारी सरकार में एक एक नौकरी का रिकॉर्ड है, डेटाबेस है। हमारी सरकार ने 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है, 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं को संविदा पर नौकरी दी है, 2 करोड़ जिसमें पेपर लीक हो गया। आप लोगों गिरा दिया, जमीन दोस्त कर दिया और जब्त कर लिया, क्योंकि हमारी सरकार में इस तरह का खुला विद्यालय ने खुलवा दिया, केवल लाखों मास्टर के लिए कागज खुलवा दिए थे। हमारी सरकार ने उसे प्रतिबंधित करने का काम किया, एक स्वस्थ शैक्षणिक परंपरा प्रदेश में उपजे और योग्य और सक्षम व्यक्ति नौकरी पाए उसको सुनिश्चित करने। भाजपा की सरकार पूरी तरह से बीमार सरकार है, बीमारू सरकार है,
जातिवाद से ग्रसित सरकार है भाजपा की, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी ये सरकार है। किसान और नौजवान विरोधी सरकार को हम लाल टोपी वाले कभी रुकने नहीं देंगे। 2022 में आपका सफाया निश्चित है, रेड अलर्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये समाजवादी पार्टी का और यूपी की जनता का रेड अलर्ट है आप लोगों के लिए। अब आप लोग सत्ता में नहीं रहने वाले हैं, आप लोग अगर सत्ता में रहना हो तो विकास की बात करिए, विकास करिए, लेकिन किसानों पर गाड़ी चढ़वा कर आप लोग रुक नहीं पाएंगे। बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने वालों का समर्थन कर आप भाई एक-एक करके बोलिए, प्लीज प्लीज एक-एक करके बोलिए, एक-एक करके बोलिए। सचिन, सचिन प्लीज, सचिन भाई प्लीज, प्लीज सचिन। हाँ ठीक है, सचिन जी प्लीज, गौरव भाई की बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद हम आ रहे हैं। गौरव भाई बोलने दीजिए, नितिन जी हम तो बोल लिए जी। हाँ अभिषेक जी, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं गौरव जी, आपके पास बोलने के लिए कुछ राय नहीं, और चुनाव के बाद मुंह छुपाने पड़ेंगे आपको, मुंह छुपाने पड़ेंगे आप लोगों को। सचिन जी, अरे सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, धैर्य रखिए तो कुछ बोला जाए। हाँ गौरव जी। हाँ मैं बोलूं, मैं आ रहा हूँ। देखिए ये लोग उतावले हो जाए जा रहे हैं, ये बताता है कि इनका अस्तित्व खतरे में है, उतावलापन ये बताता है कि ये बेचैनी में है, हताशा में। मैं यही कह रहा था कि सचिन भाई, प्लीज, तो मोदी जी है। देखिए 2 महीने के बाद आप किस रंग में नजर आएंगे, उसकी चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, जनता के साथ सीधा संवाद है। आप बंटवारे की राजनीति करिए, तुष्टिकरण की राजनीति करिए, जातिवाद की राजनीति करिए, अंकगणित ठीक है, ठोकने का काम कर रहा है तो जनता भी किसानों को भी बलिदान दे रहा था, कोरोना काल में को भी आप लोगों ने जनता का लक्ष्य बना रहा था। ठीक है प्लीज, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, समय कम है, ठीक है, ठीक है सचिन भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, मुद्दे आपके पास है सचिन जी, ठीक है। अभिषेक मिश्रा बोलेंगे, खाली अभिषेक बोलेंगे, खाली खाली अभिषेक बोलेंगे। हाँ गौरव जी, सचिन भाई प्लीज, सचिन भाई, सचिन भाई प्लीज, मुझे ऑडियो बंद कराना पड़ेगा आपका, प्लीज सचिन भाई। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान ज्यादा जागरूक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान जागरूक नहीं है। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि पूर्वी सचिन भाई, छत्तीसगढ़ तरीके से इसी पश्चिम के सरकार मायावती जी और मुलायम सिंह जी ने पूर्वांचल की शुगर मिल को बर्बाद करने का, उसको समाप्त करने का सुनियोजित अभियान चलाया, और 36 चीनी मिलों पर आप किसानों पर गाड़ी चढ़ा कर लेंगे, उसका बदला आप लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा कर लेंगे। ठीक है प्लीज 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 ठीक है सचिन भाई, सचिन भाई ठीक है, सचिन जी, सचिन जी हो गया हो गया प्लीज। जब तथ्य की बात सुन रहे हैं तो सुनिए कि पूर्वांचल का किसान कितना उसके साथ धोखा हुआ है, और किस तरह से इस पश्चिम के लोगों ने, पश्चिम के मुख्यमंत्रियों ने पूर्वांचल के साथ दोगलापन किया है। 36 चीनी मिलों को 12,000 करोड़ का घोटाला करके मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से एक्सपोर्ट होकर आए हैं। अब यूपी की जनता एक्सपोर्ट सीएम नहीं चाहती, उत्तर प्रदेश का नेता यूपी का सीएम बनेगा, अब एक्सपोर्ट सीएम नहीं चलेगा, एक्सपोर्ट सीएम नहीं चलेगा। ठीक है प्लीज 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 प्लीज, समय कम है, समय कम है, समय कम है, समय कम है, सीएम चाहती है। ठीक है प्लीज गौरव जी, प्लीज 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 सचिन भाई, गौरव जी अब का खेल खेलने का कुत्सित प्रयास हो रहा है पश्चिम में, उसको भी पश्चिम का किसान धता बता कर ठीक है, पुनः भारतीय पार्टी की सरकार बनाए। ठीक है ठीक है प्लीज 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 प्लीज, अभिषेक जी की सुन लेते हैं, अभिषेक भाई की सुन लेते हैं प्लीज प्लीज, सचिन भाई, सचिन भाई समय कम है, सचिन भाई समय कम है, 2022 के बाद सचिन भाई समय कम है, इनको ऑडियो कराइए प्लीज। हाँ अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हैं, अभिषेक जी क्या बोल रहे थे और जल्दी से खत्म। नहीं, मैं सिर्फ इतना सी बात कहना चाहता हूँ कि अभी प्रवक्ता जी ने मेरे ऊपर कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है,
बिल्कुल कहा होगा, आप मुझे एक मेरी कोई एक डिबेट, एक ऑडियो, कोई एक फुटेज आप बताइए जिसमें मैंने कहा हो नहीं मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छा कहा है, मैंने उसकी तारीफ की हो। आप लोग इस तरह से किसी राजनीतिक विश्लेषक को, आप गौरव जी सुन लीजिए, गौरव जी सुन लीजिए, इस तरह से किसी राजनीतिक विश्लेषक को आप तुरंत एक पार्टी से जोड़ देते हैं जो आपकी चमचागिरी करता है, वो तो ठीक है, वो बड़ा अच्छा है, बड़ा विद्वान है, और जो आपके विरोध की बात करता है, गौरव जी आप सुन लीजिए आप, और जो आपके विरोध की बात करता है वो दूसरी पार्टी का है। आप मुझे बताइए मैं किस पार्टी का करता हूं, मैं आज तक किसी एक पार्टी की प्राथमिक सदस्य भी नहीं किसी पार्टी का, और आप बताइए कि यह चाहे मुलायम सिंह ने जो बयान दिया था बलात्कार पर उसकी मैंने कभी आज तक कोई तारीफ की हो, मैंने मनमोहन सिंह के बात की कभी तारीफ की हो, आप बताइए, मैं उसका भी विरोध करता हूं, मगर सत्ता में आप है मान्यवर, डिबेट आज कर रहा हूं, आज के मुद्दे पर बात हो रही है, और अगर मनमोहन सिंह ने कहा था तो वही आप कहेंगे, तो आप मनमोहन सिंह में फर्क क्या है, यानी वो गंदे थे तो आप भी गंदे हैं, कहिए कि हम भी उतने ही गंदे हैं जितने वो गंदे हैं, इस चीज को मानिए गौरव जी, फिर आप, मैंने कभी नहीं कहा कि मनमोहन सिंह ने अच्छा ठीक कहा, ठीक है समय कम है, विरोध करता हूं, ठीक है, और अभी जो आप ठीक है समय कम है, कि चीनी मिले बिक गई, अरे उन्होंने चीनी मिले में थी, यहाँ तो पूरे देश की फैक्ट्रियां बिक गई, ठीक है, प्लीज, हो गया, एयरपोर्ट बिका जा रहा है, रेलवे बिका जा रहा है, टेलीफोन बिका जा रहा है, क्या बचा, सब तो बेचने की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, समय कम है, डिबेट को खत्म करना चाह रही है, इसीलिए ट्रेनों की संख्या बढ़ गई, इसीलिए ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई, तो अच्छा मतलब वो मेरे प्राइवेट सेक्टर में जाती है तो उसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है प्लीज, समय कम है, हमें किराया वाइंड अप करना पड़ेगा, गौरव जी किराया कितना बढ़ गया, गौरव जी किराया कितना बढ़ गया, आम आदमी के पहुंच में रह गई तेजस ट्रेन दिल्ली जाने के लिए, आम आदमी के पहुंच में है, आप दे दीजिए जवाब, आप जवाब दे दीजिए कि तेजस ट्रेन आज आम आदमी के लिए, आम आदमी के दिल्ली जाने के लिए उपलब्ध है, ठीक है चलिए हो गया, प्लीज प्लीज हो गया, समय कम है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रमुख मुद्दे पर जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रमुख मुद्दे पर जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है, लगातार चुनावी जनसभाएं, चुनावी रैलियां चल रही हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का भी जो सिलसिला है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत अहम होता है ये सभी राजनीतिक दल जानते हैं, और इसी चुनाव से कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो टॉप पर जाएंगे और कुछ ऐसे भी हैं जिनका राजनीतिक करियर खत्म सा हो जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि उत्तर प्रदेश का यह चुनाव आने वाले दिनों में किस राजनीतिक दल के लिए कितना बेहतर और कितना असरदार होता है। आज की डिबेट में इतना ही, मैं दिजन मती, नमस्कार।